Hello friends, Bollywood Life is here today with Sohum Shah, that's Vinayak Rao of Tumbadd. Now I'm sure that you all must have heard great things about the movie and everyone who has seen it just cannot stop raving about it. So we're just here with the man himself and we'll know more little bit about his journey with Hastar. Thank you, Urmi. Thanks a lot. You love mass Bollywood cinema. You're right. The hardcore commercial. But first it was Ship of Thesis and now it's Tumbadd. ये ऐसा कैसे होता है कि आप सोचते कुछ और हो और आगे कहीं और ले जाती है? ये मुझे लगता है कि हर आदमी की कहानी है कि आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है. तो ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने अलग तरह की फिल्में बनानी चाहिए पर मेरी डेस्टिनी में अलग तरह की फिल्में लिखी थी. शिप ऑफ थीसिस लिखी थी, तुम्बाड़ लिखी थी. कुछ लोग ये होता है कि जो मिलता है उससे खुश नहीं होते, पर मैं बहुत खुश हूँ. जैसी फिल्में मुझे बनाने का मौका मिला, एक्ट करने का मौका मिला, शिप ऑफ थीसिस और तुम्बाड़, तो मैं बहुत खुश हूँ मेरी जर्नी से. पर मुझे लगता है ये डेस्टिनी है कि आपको आपकी लाइफ आपकी भाग्य में लिखा क्या है. ओके, और पूरी फिल्म हस्तार के ऊपर है जो एक तरह से लालच का देवता है. आप निजी जिंदगी में कितने लालची हैं और किस चीज़ों के लिए लालची हैं? मैं बहुत ज़्यादा लालची हूँ. मैं अच्छे रोल्स के लिए बहुत ज़्यादा लालची हूँ. अच्छी कहानियों के लिए मुझे बहुत भूख है. तो मैं अच्छी स्टोरीज, अच्छे रोल्स के लिए बहुत लालची हूँ, बहुत ग्रीडी हूँ. और ये जो स्टोरी मीन जो फिलॉसफी है मूवी की ऑफ यू नो, जो एक तरफ से यदि मिल रहा हो तो दूसरे तरफ से आपको नहीं मिलेगा, यू नो, लाइक आप उससे कितना रिलेट करते हैं? नहीं, मतलब स्टोरी की फिलॉसफी तो करेक्ट है कि ग्रीड इज नॉट अ गुड थिंग, कि आप कुछ पा रहे हो तो कुछ खोते ही हो. और ये मैंने मेरी ज़िंदगी में भी देखा है और हर किसी के साथ होता है. कई बार लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें आ जाती हैं, पैसे आ जाते हैं और खुशियाँ चली जाती हैं, और उसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है. और मुझे पता नहीं कुछ कर्मा का रीज़न भी होता होगा, कुछ नेचर जस्टिस का भी रीज़न होता है. लाइफ अगर आपको कुछ दे रही है तो कुछ ले रही है. तो बट मेन तो मैसेज ये है कि ग्रीड इज़ नॉट गुड. और जैसे मूवी को 6 साल लगे ऑलमोस्ट बनने में और लोग काफ़ी तारीफ करें डायरेक्टर के, स्टोरी टेलर्स का एंड सिनेमाटोग्राफी की, और जो विजुअली जो आप लोगों ने पूरा बनाया है ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एंड द मूवी, वी वांट टू नो वन थिंग दैट हाउ वाज द मूवी शॉट, यू नो, लाइक हाउ डिड यू ऑल गेट दैट दोज अ डार्क लुक ऑल ओवर द कॉन्स्टेंटली लाइक फॉर 90% ऑफ द मूवी, यू नो, लाइक आई बिलीव यू आर शॉट ओनली ड्यूरिंग द मानसून, सो जस्ट टेक अस लिटिल बिट थ्रू इट. सो यार, आपने करेक्टली कहा कि जो इतना सब कुछ खूबसूरत दिख रहा है उसके लिए बहुत मेहनत गई है. 6 साल लगे हैं. कि जैसे आपने कहा कि हम मानसून में ही शूट कर सकते थे फिल्म में, क्योंकि बारिश एक कैरेक्टर है फिल्म में, मूड है बारिश. तो हमने 4 मानसून शूट किए हैं, अलग अलग मानसून में शूट किए हैं. मानसून में भी आपको बादल का मैच करना पड़ता था, कि अगर बारिश तो आर्टिफिशियल ही होती है, बारिश तो हम टैंकर्स लेकर जाते थे पानी के, पर आपको लाइटिंग मैच करनी पड़ती है, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है. वो चीज़ है. अगर आप फिल्म देखेंगे तो VFX हैवी फिल्म है. हमने 3D में कैरेक्टर बनाया है हस्तर, जो कि फिल्म का मेन कैरेक्टर है, तो वो हमने VFX करवाया है स्वीडन से, तो उसमें टाइम लगा है. तो ये सब चीज़ें जो आप देख रही हैं ट्रेलर में या जिन लोगों ने फिल्में देखी है, प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत हैवी है, बहुत ही ऑथेंटिक है, कि हमने रियल लोकेशंस पे सेट बनाए हैं. एक मार्केट है पूना की, वो सतारा में एक जगह था पूरा, हमने पूरा एक बड़ा मार्केट क्रिएट किया है. तो ये सब चीज़ें बनाने में बहुत मेहनत गई है, बहुत टाइम गया है, पर इंटेंशन कहीं ना कहीं ये थी कि जो फिल्म को चाहिए वो दे दें. ऐसा कुछ फिल्म फिट फार्मूला नहीं था कि यार ये इतने टाइम में बन जाए, इतने पैसों में बन जाए. फिल्म आगे थी, हम पीछे पीछे थे, हम फिल्म को फॉलो कर रहे थे, फिल्म को जो चाहिए था वो हम दे रहे थे. तो उतना पेशेंस था हमारे में और फिल्म के लिए प्यार था. एंड जैसे द लाइक द फर्स्ट ट्वीट फॉर तुम्बाड केम फ्रॉम SRK, सो लाइक व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्स यू हैव गॉट, लाइक एनी एक्टर हैज यू नो जस्ट सेड समथिंग लाइक टू यू आफ्टर वॉचिंग द मूवी? मतलब सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो राजकुमार ईरानी सर का मिला मुझे. तो उन्होंने ट्वीट करके तारीफ़ की थी मेरे काम की और फिल्म की बहुत तारीफ़ की. और तो मैं उनसे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कहीं ना कहीं, ईरानी सर का. और शाहरुख सर ने ट्रेलर देखा, उन्होंने ट्वीट किया. ऋतिक सर ने ट्रेलर देखा, उन्होंने ट्वीट किया. तो ये सब वैलिडेशन जब आपको मिलता है, ये इतने सब मेन स्ट्रीम के बड़े एक्टर और बड़े डायरेक्टर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार आपने जो 6 साल इतनी मेहनत की है तो वो वर्थ इट है यार. कहीं ना कहीं इतना जो पेन बनाने में तुम्बाड़ में गया है वो वर्थ इट है. एंड जैसे लाइक प्रभास ने अपने लाइफ के 5 ईयर्स बाहुबली को दिए हैं, आपने 6 ईयर्स दिए तुम्बाड़ को, ये कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए? आई एम श्योर बीच में आपके लिए कुछ और भी ऑफर्स आए रहेंगे टू लेट गो, बिकॉज आप एक सर्टेन लुक में हो फॉर अ पर्टिकुलर मूवी. सो ये डिफिकल्ट है, ये कितना आपके लिए? कभी वक्त आया व्हेन यू फेल लाइक टेलिंग द प्रोड्यूसर्स ओके सर 6 मंथ्स आई कैन गिफ्ट टू तुम्बाड़, वो बाकी 6 महीना मुझे फ्री कर दो, कोई और प्रोजेक्ट मिला है मुझे? तो इसमें क्या खास बात थी कि प्रोड्यूसर भी मैं खुद था, तो एक्टर भी मैं था, प्रोड्यूसर भी मैं था.
तो और मैं फिल्म के प्यार में था, तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक्ट भी कर रहा था, प्रोड्यूस भी कर रहा था, तो वो बहुत काम मैंने छोड़ा है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि छः साल ना, एक तो आपको बॉडी की कंटिन्यूटी मैच करना, क्योंकि बीच में मैंने कुछ और फिल्म्स की, मैंने तलवार की उसमें मैं बहुत ही लीन हूँ, मैंने सिमरन की उसमें मेरा अलग लुक है, तो वो एक तो बॉडी बनाए रखना, मुझे लगता है वो फिर भी हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास लोग होते हैं बता देते हैं कि सर थोड़ा कार्डियो कर लो, थोड़ा वेट ट्रेनिंग करो, ये करो, वो आपके पास रेफरेंस होता है मैच करने के लिए। पर जो वो उसकी साइकोलॉजी होती है कैरेक्टर की, वो छः साल तक पकड़ के रखना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप बीच में प्रोड्यूस भी कर रहे हो, दूसरी फिल्में भी कर रहे हो, वो आपके हाथ से थोड़ा सा भी छूट जाए तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था कि वो साइकोलॉजी पकड़ के रखना। एंड आप जिस ये स्टोरी एकदम फोकलोर के साथ है एंड एक सर्टन अमाउंट ऑफ बिलीफ भी चाहिए रहेगा, इट्स लाइक आई एम सॉरी फॉर लाइक फॉर द कंपैरिजन, इट्स लाइक वॉचिंग अ नागिन ऑन स्क्रीन, वी नो दैट वो होती नहीं है बट स्टिल पीपल वॉच इट यू नो बिकॉज समवेयर इन विद इन अस इट्स देयर दैट ऐसी हाँ ऐसी भी स्त्री होती है, वो इस हफ्ते। सो आप कितने कन्विंस थे एंड हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड इन दिस होल जॉनर ऑफ यू नो लाइक इंडियन मिस्टिसिज्म एंड फोकलोर एंड ऑल ऑफ दिस? मतलब मेरे लिए कन्विंसिंग ये नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे तो मज़ेदार कहानी सुनने को मिली जिसने मुझे बहुत एंटरटेन किया और मुझे लगा कि ये कहानी मैंने बहुत सुनी है, मैंने बड़े पर्दे पे देखी नहीं है। मतलब मेरे लिए दादी माँ की थोड़ी सी डरावनी वाली कहानी थी कि विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, ऐसी चीज़ें थी मेरे लिए। तो मेरा तो ये मन था कि मैं बड़े पर्दे पर देखूँ। मेरा तो अपने आप से क्वेश्चन ये था कि ऐसी चीज़ इंडियन सिनेमा से बनी क्यों नहीं है, क्योंकि एकदम इंडियन रूटेड कहानी है, इंडियन कैरेक्टर हैं कि एक राजा था, वहाँ जाता था, सोना लेकर आता था, ऐसी स्टोरी है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा चार्म इस चीज़ के लिए ये रहा है कि मुझे वो कहानी बहुत ही अट्रैक्टिव लगी और मुझे लगा बहुत ही रूटेड कहानी है, हमारे देश की कहानी है, बननी चाहिए। और मुझे ये भी लगा कि लोग क्यों नहीं बनाते हैं, पर जब मैं बनाने लगा तो मुझे समझ में आया कि लोग क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि दादी माँ तो कह देती है कि एक राक्षस था, पर जब आप राक्षस बनाने जाते हो तो जान निकल जाती है। दादी माँ तो कह देती है कि बेटा बारिश हो रही थी हल्की सी और ऐसी ऐसी जगह थी, तुम्बाड़ एक कर्स्ड प्लेस था कि जहाँ बारिश होती रहती है, पर जब आप बारिश में शूट करते हो तो एज एन एक्टर जान निकल जाती है, एज ए प्रोड्यूसर जान निकल जाती है, सब कुछ दाव पर लग जाता है। ठीक है, तो मूवी से ज़रा हटके हम एक मीन्स टॉपिक पे आ रहे हैं जो पूरे चर्चे में है, मी टू मूवमेंट। सो एज एन एक्टर हु इज मीन्स रिलेटिवली न्यू यू नो टू द इंडस्ट्री, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवमेंट? मैं बहुत खुश हूँ यार कि एटलीस्ट ये कॉन्वर्जेशन हो रही है, कि अवेयरनेस हो रही है, ये बहुत ज़रूरी था सोसाइटी के लिए। मेरी भी एक बेटी है, एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि आज ये चीज़ें हो रही हैं, और इट्स नॉट अबाउट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री। तो आज मेरी भी बेटी है, वो भी कल कहीं भी जाकर काम करेगी, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी थोड़ी सी सेफ्टी की तरफ बढ़ रही है, कि ऐसी चीज़ें होने से अवेयरनेस आ रही है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पर फिर भी मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। ओके, देन जस्ट आई यू से हैज योर डॉटर सीन द मूवी, व्हाट वाज हर रिएक्शन? उसने उसके रिएक्शन बहुत कमाल के थे। जब ये स्टोरी बन रही थी तो मुझे कहती थी कि पापा आपकी फिल्म ना बहुत चलेगी, क्योंकि आपकी फिल्म ना प्रिडिक्टेबल नहीं है। होता क्या है कि एक लड़का लड़की से मिलता है, उसको प्यार होता है, बाद में शादी हो जाती है, तो यही तो होता है। तो आपकी फिल्म में कुछ अलग है कि कुछ भी आप प्रिडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ नया है। तो उसने तो फिल्म बनने से पहले ही मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया था उसने मेरी बेटी ने कि ये आपकी फिल्म चलने वाली है।